और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिसमें जल बोर्ड के, सीवर के, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके 24 घंटे पानी के दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने को लेके, अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर सिस्टम को आगे बढ़ाने को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आज जल बोर्ड की मीटिंग में लिया गया वो पानी के बिलों की जो लोगों की शिकायतें थीं उसके बारे में लिया गया। पूरी दिल्ली में लोगों की शिकायतें मिल रही थी, मीडिया में भी कई लोग रिपोर्ट करते थे, सोशल मीडिया पे भी डालते थे कि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और MLAs के थ्रू भी कई जगह से शिकायत मिल रही थी कि लोगों के बिल ज़्यादा आने की शिकायत आ रही है, और कुछ लोगों का ये था कि हमारे गलत बिल आ रहे हैं। तो आज निर्णय लिया गया कि एक वन टाइम सेटलमेंट की योजना लाई जाए, और जल बोर्ड के अधिकारी हफ्ते भर में एक योजना तैयार करेंगे इसको लेकर कि जिन लोगों को लगता है कि उनके गलत बिल आ रहे हैं उनका सेटलमेंट कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों की जायज़ दिक्कतें हैं, बहुत लोगों की जो शिकायतें हैं वो जायज़ हैं कि उनके यहाँ या तो मीटर रीडर नहीं गया या उनका मीटर ख़राब पड़ा है और उसके बेसिस पर उनके बिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड बिल आ रहे हैं। तो ऐसे सब मसलों को कैसे निपटाया जाए, उनको वन टाइम सेटलमेंट कैसे करके आगे बढ़ा जाए ताकि उनके ऊपर पेंडेंसी भी ना रहे लोगों के ऊपर और लोग अपना आगे का बिल भी लगातार देते रहें, तो इसको लेके हफ्ते भर के अंदर जल बोर्ड एक योजना लेके आएगा और उसको फिर तुरंत जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो जिन लोगों के बिल बहुत उनको लगता है कि गलत आए हुए हैं, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे दिल्ली में लगभग पूरा एनालिसिस किया गया था, आज 26 लाख मीटर्स हैं, 26 लाख लोगों के कनेक्शन हैं दिल्ली में, 26 लाख पानी के कनेक्शंस हैं, इसमें से 18 लाख को कोई समस्या नहीं है, उनके बिल भरने की कोई समस्या नहीं है, उनका हर महीने का लगातार होता रहता है, लगभग 8 लाख कनेक्शंस के अगेंस्ट में पेंडिंग चल रहे थे। तो पिछली जल बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया जाएगा 100%, उसका फ़ायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं। तो लेट पे जिनको लग रहा था कि उनके बिल ठीक हैं लेकिन किसी कारण से वो जमा नहीं कर पाए, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जमा भी किए, तो 252 करोड़ रुपये के बिल जमा किए हैं करीब 4.5 लाख लोगों ने। और अभी ये 100% LPSC की जो स्कीम है 31 जनवरी तक अभी चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि उनके यहाँ गलत बिल आ रहे हैं और वो बिल भर नहीं रहे, या वास्तव में उनके यहाँ इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं कि जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। कई कई लोगों के यहाँ तो मैंने देखा 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपये के बिल किसी कारणवश जनरेट हो गए हैं। ऐसे तमाम लोगों के सेटलमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जल बोर्ड एक स्कीम लेके आएगा और उसको फिर हम लागू करवाएंगे, सरकार की ओर से फिर वो लागू होगी स्कीम, एक हफ्ते में रिपोर्ट उसकी देंगे। एक और शिकायत जो आज महत्वपूर्ण रूप की गई जल बोर्ड की मीटिंग में वो थी कि जल बोर्ड में जब कोई आदमी कनेक्शन लेता है नया या पुराना उसका कनेक्शन है वो मीटर बदलवाता है, तो अभी वर्तमान में व्यवस्था लागू है कि सरकार उसके यहाँ मीटर लगवाती है। जल बोर्ड के कनेक्शंस में नया कनेक्शन लेना हो या पुराने कनेक्शन पे ही नया मीटर लगवाना हो, आपका मीटर ख़राब हो गया है या बंद हो गया है कुछ कारण से, तो आपका नया मीटर भी सरकार ही लगाती थी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी ख़ास तौर से बिल के संबंध में कि साहब मीटर ख़राब हो गया और इस वजह से हमारे यहाँ गलत बिल आ रहे हैं, हमने एप्लीकेशन डाली, जल बोर्ड किसी भी कारण से उसको उतने समय पे नहीं लगा पाया, उस बीच में उसकी रीडिंग हुई और वो गड़बड़ आ गया, तो लोगों की शिकायत थी। तो अभी जो ये सरकार खुद पुराने ख़राब मीटर, पुराने कनेक्शन पे ख़राब मीटर को सरकार ही चेंज करती थी, ऐसा जो नियम था उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका मीटर ख़राब है और वो चाहता है चेंज करवाएं, तो या तो सरकार को लिख सकता है कि मुझे अपना मीटर चेंज कराना है, सरकार भी चेंज करा देगी, जल बोर्ड चेंज करा देगा, या खुद भी चेंज करा सकता है मार्केट से लेके,
अगर उसको लगता है कि किसी कारण से उसको देर हो रहा है, उसकी वजह से उसके बिल गड़बड़ हो रहे हैं, तो वो खुद भी चेंज करा सकता है। तो एक तरह से आम जनता के पास ये अधिकार है अब इस मीटिंग के बाद से होगा कि वो अपना मीटर खुद चेंज करा सकते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण मसला जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा ड्रीम है कि दिल्ली में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाए, उस दिशा में आज कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई ताकि अलग अलग कॉलोनीज में अधिक से अधिक पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसके तहत आज 10 नए UGR अंडरग्राउंड रिजर्वायर जो बनाने के लिए मंजूरी दी गई, उसमें से 6 तो एकदम नई जगहों पे बनेंगे और 4 पुराने पड़ चुके UGRs को ही अपग्रेड करके नए रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से 10 नए बड़े UGR दिल्ली को मिलेंगे और ये ओखला, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोलबाग, जखीरा, आनंद पर्वत, नारायणा, इन इलाकों में करीब 26 लाख की पॉपुलेशन को सर्व करेंगे। इस UGR, ये नए UGR बनाने के साथ साथ 300 किलोमीटर की नई पानी की पाइपलाइन भी डाली जाएगी और 84 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को नया किया जाएगा, ये निर्णय भी लिया गया। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन से 24 घंटे पानी की उपलब्धता की तरफ बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। जो 10 नए UGR बनाना, 300 किलोमीटर की नई पानी की पाइपलाइन डालना और 84 किलोमीटर की पुरानी पाइपलाइन को नए में ठीक करना। इसी तरह से अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर सिस्टम पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है आज भी, वो भी मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है पानी को और जल बोर्ड को लेके। तो आज करावल नगर, बुराड़ी, नरेला, इन 3 विधानसभाओं की 44 अनऑथराइज कॉलोनीज और 14 गांव, तो 44 अनऑथराइज कॉलोनीज और 14 गांव में 280 किलोमीटर लंबी नई सीवर पाइपलाइन को मंजूरी दी है जल बोर्ड ने। 44 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं और 14 गांव जहां पे नई सीवर पाइपलाइन डलेगी। ये ऐसे एरिया हैं जो अभी अनकवर्ड थे सीवर से, इसमें लार्जली अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जहाँ धीरे धीरे सड़कें बनाने का काम भी हो रहा है, तो इसको किया जाएगा। तो इस तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज में सीवर उपलब्ध कराना, 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना और कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत ना हो बिजली के, पानी के बिलों से लेकर और मीटर तक में, इसको लेके काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आज जल बोर्ड ने लिए हैं। धन्यवाद। ये अक्टूबर से नहीं, लोगों के तो बहुत बहुत पुराने भी बिल होते हैं तो उनके ऊपर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा होता है, कई कई साल पुराने लोगों के पेंडेंसी होती है। लोगों ने कब से कब तक किस बीच में जमा किया? अभी अक्टूबर से लेके अब तक 31 दिसंबर तक। सर, ये जो नया मीटर लोग लगवा सकते हैं अपनी जल्दी से, तो उसके लिए कोई कंपनियां निर्धारित हैं? 10-12 ब्रांड, वो 10-12 ब्रांड्स पहले से जल बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, उनमें से किसी से भी वो लगवा सकते हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल मेयर चुनाव को लेकर भी है, आप लगातार पत्र भी लिख रहे हैं एलजी को, संवैधानिक स्थिति को किस तरह से आप दिल्ली में देख रहे हैं और मेयर चुनाव होना क्यों जरूरी है? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में, अब आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पानी पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम हुआ है, शिक्षा पे काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, वैसे ही दिल्ली में अब साफ सफाई का काम होना है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी लग गए तो दिल्ली पूरी तरह से साफ होगी और कूड़े के पहाड़ भी खत्म होंगे। तो उनको यही डर है कि किसी ने किस तरह से संवैधानिक ये करके, संविधान की भी चाहे उसको उनको तोड़ना पड़े, संविधान की भी चाहे मजाक बनाना पड़े, लेकिन किसी तरह से MCD के प्रोसेस को डिरेल करे रहें, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी और ये सब लोग मिलके उस पूरे प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि इस देश में संविधान है, नियम कायदे कानून चलेगा, इनकी गुंडागिरी, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। सर, 30 जनवरी की डेट जो है प्रस्तावित की गई है, उसको लेकर आप कम्युनिकेशन आपके पास आया? अभी मेरे पास तो आया नहीं है, पिछली बार सर एलजी ऑफिस में फाइल दिल्ली सरकार के थ्रू होके जाती है एमसीडी का मशीन फाइल, वो एलजी ऑफिस अभी तक नहीं पहुंची है, तो इसलिए अभी कोई नई तारीख नहीं अनाउंस हुई। तो अभी आएगी तो बताएंगे। सर, आपने ऐसी कुछ चिट्ठी लिखी थी कि सीधा अधिकारियों के पास फाइल जा रही है, वो भी एक बड़ा इशू है, लगातार ये आरोप लगाया कि आपके साथ अधिकारी का काम नहीं कर पा रही क्योंकि LG नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां फिर से हो गई हैं कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, अधिकारियों से डायरेक्ट LG बातचीत कर रहे हैं, क्या चल रहा है इसको? ये तो लगातार चल रहा है,
लेकिन उसके बीच में भी काम हो ही रहे हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ आराम से हो रहे हैं वहाँ आराम से हो रहे हैं, जहाँ लड़ना पड़ता है फिर लड़ते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में सीवर बनाने का काम किया जाएगा, 84 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन जो पहले से बिछी हुई है उसको ठीक कराया जाएगा, उसको नया किया जाएगा। इसके अलावा 300 किलोमीटर की एक नई पानी की पाइपलाइन दिल्ली में बिछेगी जिससे कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा दिल्ली में 24 घंटे पानी मुहैया कराने को लेकर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मंजूरी मिली है। 10 नए UGR दिल्ली को मिलने वाले हैं जिसमें से 6 तो बिल्कुल नए होंगे और 4 वो होंगे जो अभी पहले से हैं और उन्हें ठीक किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी मनीष सिसोदिया ने आज कही है कि जल बोर्ड की मीटिंग में जो शिकायतें मिली, गलत बिल आने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली कि बिल गलत आता है, तो अब 4.5 लाख लोगों ने जो 252 करोड़ के बिल भरे हैं जो कई बार गलती की वजह से भी भरने पड़े हों उन्हें, तो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा।